सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल चार्ज। और दोस्तों मैं आज आया हूँ मुरथल, जो कि दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर दूर, और लोग यहाँ से एक लॉन्ग ड्राइव करके यहाँ पे पराठे खाने आते हैं। आपने आमरिक सुखदेव सुना होगा, आपने धर्मकर्म सुना होगा, जहाँ लोग अक्सर पराठे खाने आते हैं। पर आज जो जगह घुमाने वाला हूँ वो हवाई अड्डा, जो मेरे जस्ट पीछे है। और यहाँ एक नहीं दो दो प्लेन खड़ी है, पर ये प्लेन जो है कोई हवाई अड्डा जो है ऐसा वैसा हवाई अड्डा नहीं है, बल्कि एक रेस्टोरेंट हवाई अड्डा है। और इस तरह के आपने जो एयरप्लेन रेस्टोरेंट्स के वीडियोस मेरे और भी देखे होंगे दिल्ली की। तो फिलहाल आज मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा और अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं कि इसमें खाने की वैरायटी क्या क्या है और खाना कितना सस्ता है, और अगर आप आते हैं तो और क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, टिकट प्राइस क्या होगी, लोकेशन क्या होगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो मिलेगी। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे नए नए कंटेंट बनाते रहूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं और घूमते हैं हवाई अड्डा। सो दोस्तों, अगर बात करें इसके लोकेशन की, तो ये पड़ता है आपका मुरथल में। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो अपने कन्वेंस आ सकते हैं, और ये लगभग 60 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, 50-60 किलोमीटर दूर है। आप ड्राइव करके आसानी से आ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कन्वेंस नहीं है तो आप ISBT जाकर वहाँ से सोनीपत वाली या पानीपत वाली बस पकड़ सकते हैं, जो कि आपको मुरथल छोड़ेगा। और मुरथल के बाद आपको ऑटो लेना पड़ेगा, जो हार्डली 10 रुपये लेता है और आपको यहाँ छोड़ देगा। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस जो डिस्टेंस है, पर यहाँ पे आके एक डे आउट आप कर सकते हैं अपने दोस्तों साथ, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा सा दिल्ली से बाहर है तो अच्छा भी लगता है थोड़ा सा आने आने में। बाकी अगर आप थोड़ा टाइम निकाल के आएंगे तो आप जुरासिक पार्क और मोजालैंड कोई वाटर पार्क में इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने मेरी उनकी वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे गाड़ियाँ आ रही है GT करनाल रोड, और ये रास्ता जो है दिल्ली से आ रहा है और ऑन रोड हाईवे पे है। और जहाँ तक पार्किंग बात करो दोस्तों, ये जो पार्किंग देख रहे हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आराम से आइए, गाड़ी यहाँ लगाइए, और अच्छी खासी पार्किंग है, बहुत बड़ी पार्किंग है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए अंदर चलते हैं और घुमाते हैं आपको हवाई अड्डा। दोस्तों पार्किंग फ्री है, पर पार्किंग एट ओनर रिस्क पे है दोस्तों ये जगह पर। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ गाड़ी वाड़ी की चोरी चकारी होती होगी। टिकट काउंटर, यहाँ पे आपको पहले बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा। और कितने का पड़ेगा सर बोर्डिंग पास? 200 रुपीज़ का पर पर्सन। तो 200 पर पर्सन आपको बोर्डिंग पास पड़ेगा, और उसके बाद जो होगा आपका फूड में इंक्लूड होगा, है ना। अगर फूड में होगा आपका इंक्लूड हो जाएगा। अगर आप 200 टिकट लेते हैं, 200 का आप खाना भी खा सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कहने का मतलब है ना, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ये ऊपर जा पाएंगे। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर चलते हैं ऊपर। तो दोस्तों हमने बोर्डिंग पास ले लिया है, और माफ़ कीजिए मैंने कुछ एक गलत बताई थी, यहाँ दो बंदे आए थे तो उनके 200 रुपये ही लगेंगे पर पर्सन, 100 रुपये होगा, और 2% का 200 रुपीज़ है। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं। दोस्तों मेरे पीछे देख रहे हो ये DJ है, अगर आप यहाँ आते हैं तो आप अगर डांस वांस के शौकीन है करना चाहते हो तो ये आपको बजा देंगे। आप यहाँ पर आराम से नाच सकते हो, पूरा फ्लोर ही है पूरा DJ का ना, आप यहाँ पर नाच सकते हो। और जो प्लेन है यहाँ दिखेगा, और एक प्लेन यहाँ दिखेगा, जो दो प्लेन यहाँ पर खड़े हैं और दोनों वर्किंग में हैं। आप किसी में भी जा सकते हैं और खा सकते हैं। और यहाँ से देखिए नज़ारा, सामने GT करनाल रोड है, साफ दिख रहा होगा आपको। तो दोस्तों ये जहाज़ का कॉकपिट है, पर यहाँ पे सोफ़ा लगा रखा है, इसको हटा के क्लियर कर देगा पूरा। तो दोस्तों ये हवाई अड्डा का मेन्यू है, आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए ये पिज़्ज़ा के रेट्स हैं, ये आपका मेन कोर्स है दोस्तों, ये चाइनीज़ मेन कोर्स है देखिए, और ये मीठे में डिश डेजर्ट्स में देखिए दोस्तों, ये रेट लिस्ट। तो दोस्तों फाइनली हमने मंगाया है ये पिज़्ज़ा, फार्म पिज़्ज़ा है, और लगभग 200 रुपये का फार्म पिज़्ज़ा है। साथ में हमने कोल्ड ड्रिंक मंगाया है, 200 का, 300 का है ना। तो दोस्तों ये 200 का है, 300 का है। तो दोस्तों हमने मंगाया है फार्म पिज़्ज़ा, लगभग 300 रुपये का है, और साथ मंगाया है
डाइट को, तो फिलहाल हम शुरू करने वाले हैं और बताते खाने के बाद का टेस्ट कैसा है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों काफ़ी नीट एंड क्लीन रेस्टोरेंट है और मेरे साथ सामने देख रहे हो यहाँ पे एक बार काउंटर है, पर यहाँ पे सबको सॉफ्ट ड्रिंक जूस वगैरह मिल जाएंगे, हार्ड ड्रिंक वगैरह नहीं मिलेगा और कंप्लीट वेज रेस्टोरेंट है और यहाँ पे सिर्फ वेज खाना मिलता है, कोई भी नॉन वेज आपको नहीं मिलेगा। तो जब भी आप आते हैं फैमिली के साथ या ज़रूर आए, ये 24/7 ओपन रहता है और आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं और फूड एंजॉय कर सकते हैं। इस साइड जो ये वाला रेस्टोरेंट है इसमें बेसिकली ज़्यादातर फ्रेंड्स लड़के वगैरह कुछ आते हैं तो यहाँ करेंगे, और बाकी ये जो है मैंने देखा मुझसे इसमें कपल और फैमिली के लोग ज़्यादा जा रहे हैं ये था। बाकी मैं इसको भी अंदर दिखा दूँगा, इसको तो आपने ऑलरेडी देख लिया है, इस वाले को भी दिखाता हूँ अंदर से कि इसका अंदर इंटीरियर कैसा है। तो चलिए इसको भी दिखाते हैं पहले। सो दोस्तों ये देखिए कितना बड़ा है टेरेपिन और इसका थोड़ा इंटीरियर डिफरेंट है और सीटिंग भी डिफरेंट है यहाँ पर, तो मोस्टली फैमिली से देखेंगे आपको। सो दोस्तों यहाँ पे यहाँ देखिए झूले भी हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो सो दोस्तों यहाँ नीचे भी सीटिंग है, यहाँ देखिए काफ़ी लोग नीचे बैठे हुए हैं खाना खा रहे हैं, साथ में आपके स्नैक्स और वगैरह चाय वगैरह मिल जाएगा आपको यहाँ से। सो दोस्तों ये सारे आइटम को आपको खाने मिल सकते हैं, ये एरोप्लेन रेस्टोरेंट से डिफरेंट है, उसके नीचे ही है रेस्टोरेंट, ये अलग सा रेस्टोरेंट है तो आप यहाँ भी खा सकते हैं। सो दोस्तों ये जो हवाई अड्डा है उसकी शुरुआत लगभग 5 महीने पहले हुई है, अभी रिसेंटली में ओपन हुआ है, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, 31 दिसंबर को ये लास्ट अभी इसी साल मतलब ओपन हुआ है। और यहाँ पे जहाँ तक देख दोनों प्लेन हैं फिलहाल, अभी काफ़ी लोग भी आ रहे हैं, 24/7 ओपन रहता है, आप रात के कभी भी आइए, आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं अपने फैमिली के साथ, खाना पीना खा सकते हैं और चिल कर सकते हैं यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा माहौल है और पार्किंग अच्छी खासी है जैसे मैंने आपको दिखा दिया है इसके बारे में। तो यार अगर आप आते हो दिल्ली के आसपास हो और यहाँ पे आना चाहते हो तो ज़रूर आइए। सो दोस्तों देखो यहाँ पे गर्मी इतना रखी है तो ये पानी फेंकने वाली जो है फ़ैन उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पे हर जगह लगाया गया है यहाँ पे ना, और ये अच्छी चीज़ भी है देखिए यहाँ पे ना, ये बिल्कुल पानी फेंक रहा है, और साथ में देखो भैया, अरे भैया कहाँ खड़े हो गर्मी में, ये देखिए भैया इनका टैलेंट देखिए, चलते हैं यहाँ पर। कितनी हाइट होगी आपकी, 10 फुट। तो दोस्तों देखिए ये भैया है यहाँ पे, थोड़ा स्टैंड दिखाते हैं। सो दोस्तों ये था हवाई अड्डा जो कि मुरथल में है, और मतलब एक नहीं दो एरोप्लेन रेस्टोरेंट है यहाँ पर, तो अगर आप आते हैं तो आपको मतलब वेटिंग नहीं करना पड़ेगा, आप किसी भी मतलब एरोप्लेन में जा सकते हैं, बकायदा दोनों बढ़िया हैं, इंटीरियर दोनों लगभग सेम ही है। और जहाँ तक इसकी चार्ज की बात करें, टिकट की बात करें, दोस्तों आपको पहले बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा, पर पर्सन 200 रुपीज़ है, तो दो बंदे के लिए 200 रुपीज़ लेते हैं वो, और जो कि फूड में डिटेक्ट हो जाते हैं। और जहाँ तक फूड की बात करें मेरे को ठीक लगा, मतलब ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा कह सकता हूँ इसको। और जहाँ तक लोकेशन बात करूँ ये मुरथल में पड़ता है, आप इजीली यहाँ आ सकते हैं, पार्किंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आप बस कन्वेंस नहीं है तो आप ISBT से बस करके सोनीपत वाली यहाँ तक आ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।